गाइस, खुद से तो इतना ऑब्सेस्ड है ना सलमान खान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उज्ज्वला'स लाइफस्टाइल एके लक्षण मॉमी, और हम तीनों रेडी है बाहर जाने के लिए। निकले हैं और गेट पे ही पड़ा है खड़े है। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह आज भी बारिश आ रही है। सो लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स आवर स्कूटी। इधर आ, इधर आ, एंड देन जस्ट कंटिन्यू कि अभी कब रुकती है बारिश और कब जाएंगे हम लोग। लेट्स सी। सो नवी मुंबई में अगर आप वाशी की तरफ से तो वाशी का हाईवे पकड़ लीजिए, या फिर पनवेल साइड से तो पनवेल का हाईवे पकड़ लीजिए डायरेक्ट, और हाईवे ही पकड़ो और कहीं आओ जाओ मत जहाँ तक आपको बेलापुर के आगे का, मतलब माउंटेन के आगे का एरिया मिलेगा, जो कि ये है। ये वाला बेलापुर का माउंटेन एरिया आ जाएगा महानगर पालिका का वो माउंटेन का बोर्ड के ब्रिज के ऊपर। नहीं जाना है, डायरेक्ट नीचे से उतरना है, और नीचे से उतरते ही पहला लेफ्ट मारना है, और लेफ्ट मार के आपको उस तरफ जाना है। तो आप वेट करोगे कि उस तरफ जाने के लिए आपको जगह मिले, और फिर वहाँ से आप लोग शिफ्ट करोगे रोड, और यहाँ से आ गया वड्डा पार्क। तो ये पड़ता है सी वुड्स में, सेक्टर 22 के करीब। सो डू चेकआउट, और ये रहा रास्ता। थोड़ा वीकेंड होने के कारण गर्दी ज़्यादा दिख रही है, और मनीष अभी टू व्हीलर पार्किंग में लगा रहा है। फोर व्हीलर का पार्किंग का पैसा लगता है, बट टू व्हीलर का पार्किंग का पैसा नहीं लगता है यहाँ पर। सो सारी डिटेल्स है यहाँ पर। ये टिकट है लक्ष्य का एक, और हमारा दोनों का। लक्ष्य का 25 रुपीज़ और हमारा 35 ईच। और दीज टिकट्स नाउ विल गिव टू द गार्ड। अभी अंदर जा रहे हैं। सो बाहर एक बैनर लगा हुआ था, उसको मैं फोटो यहाँ पर डाल दूंगी। उस बैनर में क्लियरली लिखा था, क्योंकि बारिश है और सब कुछ है इसीलिए, और राइड्स चालू नहीं है, बट अब जाके मतलब अंदर गार्डन वगैरह एंजॉय कर सकते हो, बट राइड्स कोई भी चालू नहीं है। ये देखो क्या हुआ, उधर से जाना है, उधर से। यहाँ पर फूड कोर्ट भी है। चल ले उधर, किधर जाना है उसको, चल 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 चल। सो सारे राइड्स भी ना यहाँ पर 25 to 35 रुपीज़ ईच है, तो राइड्स पे भी आप जा सकते हो। और अभी फ़िलहाल के लिए राइड्स बंद है, तो मैं पूरा गार्डन दिखा देती हूँ आपको सिर्फ। सो यहाँ पर है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल 7 वंडर्स जो भी है उसका इंफॉर्मेशन, और हर एक वंडर का मिनिएचर है वहाँ पर, मिनी। जैसे कि ये रहा, वो रहा, वो रहा। यहाँ पर एक है ताजमहल है। दिस इज माचू पिचू, देन दैट इज चिचेन इत्ज़ा, देन दैट इज क्राइस्ट ऑफ रिडीमर, देन देयर यू कैन सी ताजमहल, and there here it is. Colosseum, and there that is Petra, and there we have the Great Wall of China. That's the last one, all 7. Or फिर आगे आपको देखो सब rides दिख रहे, but they are all closed because of the मतलब बिकॉज ऑफ रेन्स एंड एवरीथिंग। तो दीज आर द राइड्स, एक ये है, एक ये है, एक जाइंट व्हील है, एंड देर यू कैन सी वन मोर थिंग, एंड देन देर इज अ ट्रेन ऑल्सो, टॉय ट्रेन। और ये है गार्डन छोटा सा जहाँ पर बच्चे खेल सके। सो इट्स रियली इनोवेटिव, मतलब बहुत अलग तरीके के स्लाइड्स है और इंटरेस्टिंग है, और बच्चों के लिए एंगेजिंग है। आपको दिखाती हूँ। See.
वेरी डिफरेंट इंटरेस्टिंग जिमनास्टिक टाइप, लाइक ऑल द किड्स वुड लव इट. कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, माय गॉड. बच्चों के लिए अच्छा हुआ है कि आज बारिश नहीं है तो बच्चों को खेलने मिल गया. और सैटरडे वीकेंड है तो सब पेरेंट्स को ऐसा रहता है कि यार बच्चों को कहीं लेके जाए, क्योंकि पूरे वीक तो स्कूल्स रहते हैं. तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए और थैंक गॉड कि बारिश नहीं है तो बच्चे भी पीसफुली इन्जॉय कर पा रहे हैं और पेरेंट्स भी. लेकिन हर पेरेंट के हाथ में छतरी, रेनकोट सब कुछ दिख रहा था कि अपने पेरेंट को ये देखो मेरे चंगेरा क्या हुआ. इधर आ जाओ लक्ष्य. ये तो अलग ही मज़े में, पता नहीं किस अपने नाश्ते में यूसिन बोल्ट्स खा के है कि इतनी एनर्जी हो गई है उसके अंदर. बाबा बाबा लक्ष्य तो दिख रहा है, मनीष नहीं दिख रहा है. और लुक एट लक्ष्य, पूरा घर और सब कुछ छोड़ के वो यहाँ पर आराम कर रहा था. ये लड़का कब क्या करेगा किसी को पता नहीं है. लक्ष्य यहाँ पर दो आर्टिस्ट है जो पेंट कर रहे, लाइव पेंटिंग जो है वो देख कर रहे. हाउ ब्यूटीफुल, लाइक लिटरली. हम उनकी कंसंट्रेशन को भंग नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, क्योंकि बेचारे इतने मेहनत से करें, अपने हाय हेलो की वजह से उनका कंसंट्रेशन ना भंग हो जाए. पता नहीं क्या गाना बजा रहे, पका जबरदस्ती. लक्ष्य और मनीष इतने आगे चले गए यार. दिस लुक सो क्यूट, राइट. यहाँ पर होता होगा क्या ये वाटर आर्ट और व्हाटएवर जो बोलते हैं हम लोग, वाटर डांस और समथिंग लाइक दैट, पता नहीं होता है या नहीं, पता नहीं, नो आइडिया. डेफिनेटली अगर होता होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो अभी हम लोग इसके नज़दीक आके बैठ गए. ये रहा लक्ष्य, ये रहा मनीष. फोटो खींचो मनीष, अच्छी वाली फोटो खींचो मेरी भी. अभी अभी हमने बहुत सारे रील्स और वीडियोज़ और पता नहीं क्या क्या बनाए और बस हो गया, क्योंकि कुछ है नहीं. जो वाटर शो है वो भी नहीं होने वाला है, राइड्स भी नहीं होने वाले, और जो खेलने का था वहाँ पर भी लक्ष्य खेल रहा नहीं, बल्कि ये देखो पानी का है वहाँ पर, ज़बरदस्ती जाने के लिए ज़िद कर रहा है कब से. बहुत इरीटेट हो रहा है इसका. इसका यही मुझे प्रॉब्लम था, इसको अच्छे से घुमाने लेके जाओ या हर जगह वैसे ही करता. हम लोग इसीलिए उससे मतलब बहुत इरीटेट हो गई. मैं जितना वीडियोज़ वगैरह जो भी बनाना था अभी बना लिया हम लोग ने. अभी चलते हैं, भूख भी लग रही है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और बहुत चल भी लिया है. और कुछ है नहीं लिटरली, अगर राइड्स या कुछ होते तो बच्चों को बार बार राइड्स बिठाती मैं, टॉय ट्रेन वगैरह करती, बट कुछ भी नहीं है. तो टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि और कहीं देखे, बट आप आ सकते हो ऐसे ही गार्डन या कुछ भी, सिर्फ अच्छा गार्डन है. देखना है या टाइम पास करना है तो लक्ष्य टाइम पास करना है तो आप आ सकते हो लिटरली. वरना मतलब राइड्स के लिए तो टाइम लगेगा क्योंकि बारिश में चालू नहीं होने वाला है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. एंड सारे जो भी उनके नोटिफिकेशन होते हैं वो बाहर वो लोग नोटिस बोर्ड पर लिख देते हैं, सो यू कैन जस्ट चेक आउट देयर नोटिस जिसके बारे में मैं बोल रही थी, जिसको मराठी हिंदी आती है वो लोग पढ़ लो. बाहर ऐसे रिक्शा वगैरह सब कुछ रहेगा अगर आपको आना जाना है, जिसके पास गाड़ी नहीं है उनके लिए. बाकी ये लक्ष्य के देखो हरकतें, इसकी हरकतें देखो. आप देख सकते हो लक्ष्य लाल बंदर हो चुका है, क्योंकि लक्ष्य को और मुझे दोनों को ही हमको जमता नहीं. इधर आ, इधर आ. सो ये पार्किंग है. अब यहाँ पर वैसे कुछ करने हैं नहीं तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि लक्ष्य की ज़िद्दी, उसको पानी में खेलना है. अभी पानी में खेलने वाला स्विमिंग पूल नहीं है ये, उसको कैसे समझाए, राइट. तो हमने अभी कुछ नहीं, बस चल रहे अभी. देखते खार कर जाते हैं या क्या करते हैं, देखते चलो. और फाइनली हम लोग आ चुके हैं लिटिल वर्ल्ड मॉल मज़े करने.
पैसा तू नहीं दिया था ना उसको। और आज मैकडी को डिच करते हुए हम लोग आ चुके हैं बर्गर किंग में एंजॉय करने के लिए। बर्गर किंग का मेन्यू हम हमेशा की तरह टाको लेंगे और कुछ नया आइटम ट्राई करेंगे। सो मैंने लिया है क्रंची टाको वेज और फिर पनीर रैप मनीष ने लिया है, फ्राइज उसके साथ है और चॉकलेट मिल्क शेक एंड कोक। सो ये दो मील थे, एक टाको मील एंड वन इज़ अ रैप मील, दोनों मील। और मॉल आए और लक्षु खर्चा ना कराए ऐसा कभी हो नहीं सकता, पता है ना आपको। सो लक्षु ने गाड़ी में तुरंत जाके बैठ गया और हम लोग खड़े रहे। हमने बोला ठीक है भैया चलो गाड़ी चला ही लो, अभी उसको बहुत दिन हो गया है क्योंकि उसकी गाड़ी जो घर में है ब्लू वाली वो तो वो ज़्यादा चलाता नहीं, उसको नई नई गाड़ी का नए नए तो ले नहीं सकते, तो जो है जब मिलता है तभी चला ले भाई, घूम ले। तो इसमें हर तरीके की चीज़ें हैं बट मुझे लेना है ऑयल डिस्पेंस बॉटल। लेट्स सी, ये किचन सेक्शन है, बॉटल्स पैन्स वॉक्स एंड व्हाट नॉट, दिस इज क्यूट। इनका सिप्पी कप्स एंड बॉटल्स का सेक्शन बहुत ही क्यूट है, मतलब बॉटल्स तो इतने क्यूट है कि पूछो ही मत, इतने क्यूट बॉटल्स, लाइक लिटरली बच्चों के लिए तो हेवन है भाई, इतने क्यूट देखो, सो क्यूट। तो हम लोग अभी गए थे इसके अंदर और सब कुछ अच्छा है बट रीजनेबल भी है, कुछ कुछ चीज़ें हैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं है। मिस्टर DIY कभी और आएंगे जब लक्ष्य नहीं होगा तो आराम से शांति से शॉपिंग कर सकते हैं, लक्ष्य के साथ बाबा कोई भी शॉपिंग नहीं होती, कुछ नहीं है वो मैं ले लूंगी, लेना है तो 50 रुपये क्या है, रुक मैं देख के आऊँ। हाँ देख के सो अभी हम निकल गए और डायरेक्ट तो घर नहीं जा सकते तो खारघर का एक राउंड मार के जाएंगे। और ये लिटिल के बाहर भी आजकल बहुत लोग बहुत कुछ बेचने लगे, फ्रॉम ज्वेलरी टू कपड़े सब कुछ। और खारघर आए और उत्सव चौक नहीं दिखाया मेरे व्लॉग में, तो पता नहीं मेरे को व्लॉगर लोगों की कम्युनिटी में जगह मिलेगी या नहीं, इसीलिए उत्सव चौक। सो गाइज दैट्स इट वॉज द व्लॉग, हम लोग घर आ गए थे और फिर मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, रुक जाइयो रुक जा, हमने वंडर पार्क में मजा किया और बाद में मॉल में भी। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, पीस आउट, बोल बाय, पीस आउट, बाय बाय, पीस आउट, चाउ, पीस आउट, पीस आउट, बाय बाय। ये लक्ष्मी के टीथ देखो, टीथ।